हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम ज्योति है और स्वागत है सभी दर्शकों का मेरे चैनल पर। हम है कर्नाटका में और कर्नाटका में हमने वन डे ट्रिप की मैसूर की, जिसके 6 पार्ट्स अपलोडेड है, उन्हें आप जरूर देखिए। मेरे चैनल का नाम है ज्योति पगारे, इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बढ़िया से बढ़िया पॉइंट्स, टूरिस्ट पॉइंट्स मेरे वीडियोस के थ्रू देखने को मिलने वाले हैं। तो हम है कर्नाटका के अब बंगलोर में, और बैंगलोर में हमने विजिट किया है लगभग 6 पॉइंट्स को वन डे में। एक मिनी बस थी जिसके थ्रू हमने 2 म्यूजियम्स को यहाँ पे विजिट दिया है। फर्स्ट म्यूजियम जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, और सेकंड म्यूजियम। तो ये है म्यूजियम, इसका नाम है विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम। मेरे ख्याल से मेरे बेंगलोर के पूरे दिन भर के टूर में ये सबसे नंबर वन बेस्ट एंड बेस्ट प्लेस था। ये एक साइंस म्यूजियम है, साइंस टेक्नोलॉजी म्यूजियम, म्यूजियम हाउस रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लोकेटेड ऑन द कस्तूरबा रोड इन बैंगलोर कर्नाटका इन इंडिया। साइंस फॉर किड्स सेंटर हियर, इट इज अ फन प्लेस टू विजिट विद किड्स। जी हाँ, बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब बेनिफिटेड ये म्यूजियम है। इसके लगभग 4 फ्लोर्स है। सबसे पहले हमें 4th फ्लोर पे भेजा गया, जिससे उसके बाद हम 3rd, 2nd और 1st ऐसे नीचे फ्लोर्स को देखते हुए आए। लगभग एक फ्लोर पे 50 से 60 अलग अलग सेंटर्स है, जिसमें बहुत ही साइंटिफिकली बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा गया है। और ख़ास करके एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सी चीज़ है कि हर जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है उसको ट्राई करना है, और वो खास कर बच्चे करते हैं। मतलब फर्स्ट सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, ये बच्चे खुद ट्राई करके देखते हैं। एक जहां हमें बच्चों को टोका जाता है कि यहां मत हाथ लगाओ, वहां मत हाथ लगाओ, लेकिन ये ऐसी प्लेस है जहां बच्चों को खुद बोला जाता है कि ये यहां पे जाकर ये करो, वहां पे जाकर वो करो, और उसके रिजल्ट देखने के बाद बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा अचंभित होते हैं, क्योंकि ये साइंटिफिकली कुछ करने के बाद उसका जो साइंटिफिकली रिजल्ट आता है वो बच्चे यहाँ पे देखते हैं। सारा यस नो आंसर का जवाब देकर बच्चे इसके बारे में बहुत ही अच्छे इन्फॉर्मेशन यहां से ले सकते हैं। ये देखिए, 1903 का राइट बंधुओं द्वारा उड़ाया गया भारत का सबसे पहला प्लेन। तो ऐसे अलग 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 हमारे हिस्टोरिकल जो अवकाशयान किस तरह से भेजे जाते हैं, वो कैसे अवकाश में काम करते हैं, इनके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। मतलब ये पूरा म्यूजियम देखने के लिए एक दिन का टाइम हमारे पास होना चाहिए। बच्चे तो यहाँ से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यहाँ पे हमें लगभग सबसे डेढ़ एक घंटे का हमें समय दिया गया था, और ये पूरा म्यूजियम हमें देखना था। तो म्यूजियम इतना बड़ा है कि बड़ों से लेकर बच्चों को सबको मन भाएगा। तो देखिए आप, म्यूजियम में डायनासोर्स भी हैं, अनेकों ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें बच्चों के साथ हमने भी खुद ट्राई किया है यहाँ पे, और हमें भी अच्छा लगा। बच्चों के साथ छोटी छोटी गेम्स थे, वो भी खेलने के लिए यहाँ पे थे, जिसके थ्रू आपको साइंटिफिकली कुछ ना कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे दिखेगा। तो ऐसा बहुत ही बढ़िया सा ये कर्नाटका के बेंगलोर में स्थित म्यूजियम है। वैसे तो अनेकों म्यूजियम हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट म्यूजियम है। और यहाँ की एंट्री फी जो होती है वो बहुत कम होती है। वो हमारे जो दिन भर के हमारी ट्रैवल बस अरेंज करते हैं, उनके थ्रू जो पैसा लिया जाता है 300 रुपया पर पर्सन, तो उसी में से ये एंट्री फीस निकाल के रखी जाती हैं। तो बहुत ही प्यारा सा म्यूजियम है, जिसे आप बेंगलोर में जाएंगे तो एक बार ज़रूर विजिट दीजिए। और उसी टिकट में ये दूसरा म्यूजियम है, उसके बगल में ही है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। ये शायद गवर्नमेंट म्यूजियम है। यहाँ पे सारी पुरातन चीज़ें हैं जो रखी गई है। यहाँ पे हम इतने थक चुके थे कि यहाँ पे हमने ज़्यादा पूरा म्यूजियम कवर नहीं किया, थोड़ा बहुत जितना देखा उतना आपके लिए शूट किया है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल शूटिंग अलाउड नहीं था, ये चुपके से हमने शूटिंग किया है। फर्स्ट म्यूजियम में शूटिंग अलाउड था, लेकिन पूरा शूट करते तो हम उसके 5-6 पार्ट्स बन जाते, इसीलिए आपको तो इन्फॉर्मेशन हो जाए ये बेंगलोर का विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम कैसा है। तो इसीलिए हमने फर्स्ट और सेकंड ये दोनों म्यूजियम का शूट किया है, जो बहुत ही बेस्ट पॉइंट था हमारे पूरे लोकल साइट सीइंग प्लेसेस में से। तो ये है स्थित कस्तूरबा रोड बेंगलोर में। इट्स अ रियली वेरी 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 बेस्ट प्लेस फॉर योर चिल्ड्रंस। आप बच्चों के साथ एक बार यहाँ पे ज़रूर विजिट दीजिए। देखिए आप,
और ऐसी चीज़ें देखने के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, हर चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर जो है वो लेसन्स उनके स्टडी में अभी है बच्चों के, 7th, 8th, 9th, 10th के बच्चों के साइंस बुक्स में इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, तो उन्हें वो देखना बहुत अच्छा लगता है। तो अब तक के मैंने जितने म्यूजियम्स को विजिट दिया है उसमें से मेरे लिए भी ये सबसे बेस्ट म्यूजियम है, जिसे मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है। अगर मौका मिले सेकंड टाइम इसे देखने का तो ज़रूर हम इसको विजिट देंगे। देखिए पुरातन काल में किस तरह से मदिरा बनाई जाती थी, ये यहाँ पे दर्शाया गया है, पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा गया है। और सबसे मज़ेदार पॉइंट था मिरर हाउस। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ जाके जो है, मतलब अगर आप अंदर एंट्री करेंगे तो पूरा भूल भुलैया है, आपके तीनों तरफ मिरर्स होते हैं, सिर्फ एक ही दरवाज़ा होता है निकलने का। आप समझ नहीं पाते कि वो दरवाज़ा है या मिरर है, क्या है। आप हाथ लगा कर छू छू कर आगे पैर बढ़ाएंगे, और काफ़ी अंधेरा था, लाइट्स थी यहाँ पर, लेकिन पूरे बाजू के तीनों मिरर में हम ही दिखते हैं, तो पता नहीं चलता कि एग्जिट कहाँ है। एंट्री तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत ही फन प्लेस है, बहुत ही हमने यहाँ पे मज़ा किया। तो ये सारा वीडियोस की जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं।